हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यू एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कैसे करेंगे ऑनलाइन घर बैठे बिना एटीएम मशीन पे जाए हुए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन न्यू एसबीआई एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी न्यू एटीएम कार्ड आया हुआ है और आप अपने न्यू एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप आसानी से जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौदा करोड़, आप देख रहे हैं अंतरजाल की दुनिया यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं इसी तरह के कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, न्यू एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपको अपने फोन की क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे सर्च बार पे टाइप करना है SBI ऑनलाइन। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ SBI ऑनलाइन, आपको सिंपली इतना सा टाइप कर देना है। उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी जूम करना है और यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट में वेबसाइट आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपके सामने में यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे SBI का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके ओपन हो जाएगी। अब आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी जूम करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना सा कर देने के बाद गाइस, आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का। आप ये फीचर्स का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपके पास नेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड हो। अगर आप योनो इंटरनेट बैंकिंग चलाते हो तो आपके पास 100% होगा ही। अगर आप योनो एप्लीकेशन के जरिए से करना चाहोगे तो योनो एप्लीकेशन में ऐसा फीचर्स नहीं दिया गया है जो कि आप न्यू ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो। वहाँ से सिर्फ ब्लॉक कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर पिन जनरेट नहीं कर सकते हो। पिन जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आना होगा। तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम डाल देना है, जो भी नेट बैंकिंग का यूजर नेम है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है यूजर नेम का। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है, जो यहाँ पे नीचे में दिखाया जा रहा है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे सिम टू सेम डाल देना है। अगर आपका यूजर नेम पता है और पासवर्ड भूल गए हो तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देख करके आप वहाँ पे पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपके सामने में नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी जूम करना है और आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे नीचे में शो कर दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में जो कि बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो है कि ई सर्विस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जो यहाँ पे देख सकते हो ई सर्विस वाले ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, आप इन फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पे पिन जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो दिखाया जा रहा है ATM कार्ड सर्विस, तो आपको सिंपली ATM कार्ड सर्विस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है इस ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद गाइस, आपके सामने में फिर से नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे ATM कार्ड ब्लॉक करना है या फिर ATM पिन जनरेट करना है। तो आपको यहाँ पे तीसरे सेकंड नंबर पे जो आ रहा है कि ATM पिन जनरेशन, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, 2 ऑप्शन है, यूजिंग 1 टाइम पासवर्ड OTP यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। आप किस चीज़ के जरिए से आप यहाँ पे ATM पिन जनरेट कराते हो? आप यूजिंग पासवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड के भी जरिए से कर सकते हो और OTP के जरिए से भी कर सकते हो। बट गाइस, मैं यहाँ पे OTP के ऊपर ही क्लिक करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे सिंपली OTP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। जो भी आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा वो OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिखाया जाएगा, वो अकाउंट नंबर के आपको ऊपर यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपके सामने में नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके ओपन हो जाएगा। आपके अकाउंट में जितने भी ATM कार्ड इशू किए गए होंगे वो ATM कार्ड यहाँ पे शो कर रहे होंगे। जितने भी एक्सपायर हो गए होंगे या फिर ब्लॉक हो गए होंगे, तो आपके पास जो भी न्यू ATM कार्ड आया है उस न्यू ATM कार्ड के ऊपर फ्रंट साइड में आपका वहाँ पे नंबर दिखाया जाएगा। उस 4 अंक का नंबर आप वहाँ पे देख लेंगे ATM कार्ड के ऊपर, वो ATM कार्ड का नंबर आप यहाँ पे मिला लेंगे। जो भी इन दोनों में से जो ऊपर में दिखाया जा रहा है, जो भी इन दोनों में से जो भी आपका अकाउंट ATM कार्ड का नंबर है 4 अंक का मैच कर रहा है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको वहाँ पे उस ATM कार्ड का पूरा नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी जूम करना है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रहा है, तो इंटर फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ योर डिसाइड पिन, यानी कि जो भी आप 4 अंक का पिन रखना चाहते हो डेबिट कार्ड का, वो 4 अंक में से आपको फर्स्ट 2 अक्षर जो है कि आपको जो भी रखना चाहते हो वो 2 अक्षर आपको यहाँ पे डाल देना है, 2 अंक का पिन डाल देना है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, फिर से नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखा हुआ गाइस साफ साफ
आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंटर फर्स्ट डिजिट ऑफ न्यू पिन इंटर फर्स्ट टू डिजिट क्रिएटेड बाय यू फॉलोवर्ड बाय टू डिजिट सेंट थ्रो SMS। यानी कि गाइस इसका कहने का मतलब है जो आप दो डिजिट पहले आप डाले हो जो डिसाइड किए थे वो दो अंक का पिन जो आप यहाँ पे पहले से डाले हो वो और जो आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS आया होगा वो SMS में आपको दो अंक का पिन भेजा गया है। जो आप पहले दो अक्षर डाले हो दो अंक का पिन डाले हो और जो आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS के जरिए से दो अंक का पिन डाला गया है तो चारों अंक का पिन यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है। चारों अक्षर जो दो अक्षर आप पहले डाले हो और जो मैसेज के द्वारा दो पिन आया है वो चारों अंक का पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। यही पिन आपका जो है कि ATM कार्ड का पिन बन जाएगा चार अंक का। तो आपको वहाँ पे सेम टू सेम डाल देना है जो भी पहले दो अंक का डाले थे और आपको मैसेज के थ्रू से दो अंक दिया गया है वो दो अंक चारों अंक आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है ATM पिन जनरेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ATM पिन नंबर हैज बीन अपडेट सक्सेसफुल्ली। यहाँ पे आपका ATM पिन जनरेट हो चुका है आसानी से पूरा सक्सेसफुल्ली हो चुका है। आप ATM कार्ड को ATM मशीन में जाकर के डाल करके ATM पिन डाल करके पैसे निकाल सकते हो विड्रॉ कर सकते हो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका ऑनलाइन पिन जनरेट हो चुका है। आप चाहे तो इस पिन को बाद में चेंज भी कर सकते हो या फिर इसी पिन को भी रख सकते हो। तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन इस तरीके से आपको ATM कार्ड का पिन जनरेट करना है न्यू ATM कार्ड का। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप न्यू ATM कार्ड का पिन जनरेट करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।